अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज। आप सबको रमजान की बहुत मुबारकबाद। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जमा हो गए थे कमेंट सेक्शन में, तो आज हम सबके आंसर्स दे देंगे। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे पास कमेंट सेक्शन में, मैं कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाया, तो सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं तमाम कमेंट्स का, आपको एक साथ इस वीडियो के अंदर जवाब भी मिल जाएगा। इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चंस हो तो इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं और फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके भी आंसर्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास कमेंट आया था, इन्फिनिक्स नोट 13 सीरीज कब आएगी, किसी ने पूछा है कमेंट सेक्शन में। तो नोट 13 सीरीज की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं है पाकिस्तान में, यानी 2-3 महीने के अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है, जल्दी नहीं आने वाली। हो सकता है कि टाइम जब ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए और रमजान चल रहे हैं, कोशिश करें पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, महंगाई कम हो जाए और कंडीशंस अच्छी हो जाएँ, पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू बढ़ जाए दूसरी करेंसीज़ के मुकाबले में, खासकर डॉलर के मुकाबले में, तो हालात बेहतर नज़र आएंगे और फिर नई डिवाइसेस भी आएंगी और फिर कंपनी इन्वेस्ट भी करेंगी पाकिस्तान में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था रियलमी 9 प्रो कितने का मिल जाएगा। रियलमी 9 प्रो ऑफिशियल तो नहीं आया पाकिस्तान में जो मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता सकूँ, लेकिन मैं जो लेकर आया था दुबई से स्टॉक, वो तो सेल हो गया। और लास्ट टाइम जो मैं लाया था वो 1.5 लाख रुपये का सेल हुआ पाकिस्तानी मार्केट में, जबकि अभी रेट ज़्यादा होंगे क्योंकि उस टाइम एक्सचेंज रेट कम था, अभी एक्सचेंज रेट बहुत बड़ा हुआ है दिरहम के मुकाबले में। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ देखते हैं तो इस टाइम पे एक्सचेंज रेट तकरीबन 78 या 80 रुपीज़ तक पहुंच गया है, जबकि जिस टाइम मैं लेकर आया था उस टाइम 71 रुपीज़ पे था। तो अभी तो उससे भी महंगा हो जाएगा और अभी मार्केट में है नहीं किसी के पास, अगर आप इम्पोर्ट करवाना चाहेंगे तो 1.5 लाख से भी ऊपर की प्राइस में चला जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन था रियलमी नार्जो 50 की अनबॉक्सिंग करें, वो तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। रियलमी नार्जो 50 की अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं, डिवाइस मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इसके अलावा रियलमी नार्जो 50 यूके वर्जन है, रियलमी की अनऑफिशियल है, ये कुछ कमिंग सेक्शन में पूछा है आई थिंक या बताना चाह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टेक न्यूज़ में भी कि रियलमी की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है, रियलमी कहता है कि हम इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, 1 ईयर की वारंटी रियलमी प्रोवाइड करेगा इसकी, रियलमी नार्जो 30 और रियलमी C33 की, इन दोनों की 1 ईयर ऑफिशियल वारंटी है। तो ये ऑफिशियल स्टॉक है और अच्छी प्राइस के अंदर, अच्छी स्पेक्स के अंदर मौजूद है। तीसरा क्वेश्चन भी रियलमी नार्जो 50 से रिलेटेड ही है, रियलमी नार्जो 50 कहाँ से मिलेगा ये पूछ रहे हैं। तो कराची की मार्केट में तो इजीली अवेलेबल है, अब आपने सिटी नहीं बताई आप किस सिटी से हैं, लेकिन कराची की मार्केट में आपको मिल जाएगा। और कराची से ही अगर आप हैं फिर भी नहीं मिल रहा है तो मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको अवेलेबल कर देंगे रियलमी नार्जो 50 कराची के अंदर। इसके अलावा चौथा मेरे पास पाँचवा आई थिंक कमेंट है, उसमें पूछ रहे थे वीडियो कम आ रही हैं आपकी, हाँ वीडियो बिल्कुल कम आ रही हैं। इसका एक तो पहले मैंने रीज़न बताया था, थोड़ा सा मेरे पाँव में चोट लग गई थी, फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से ऑफिस कम आ रहा था और अभी थोड़ा सा मसरूफ भी चल रहा था, दुबई के कामों में थोड़ा सा लगा हुआ हूँ। और जैसे कि आप लोग भी आसानी की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, मोबाइल्स बहुत महंगे हो गए हैं, अच्छी स्पेक्स के अंदर अच्छे मोबाइल प्रोवाइड करना, क्वालिटी प्रोवाइड करना, इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग हमें पसंद करते हैं, देखते हैं, तो हमें भी अब आपको रिटर्न देना है इसके अगेंस्ट में, अच्छी डिवाइसेज आपके लिए लानी है, तो उसमें लगे हैं, थोड़े से मसरूफ़ हैं इसलिए वीडियोज़ कम आ रही हैं। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटो 1 5G 35K के अंदर VIP PTA प्रूफ जो फ़ोन है उसको आप रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छा फ़ोन है, लेकिन आपने रेंज यहाँ पे ज़्यादा लिखी है, 35,000 के अंदर नहीं है बल्कि 28,000 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगा, 4GB रैम 64GB रोम का वेरियंट इसका, और ये एक बेहतरीन फ़ोन है अपनी स्पेक्स वाइज। इसमें स्नैपड्रैगन 750G की चिपसेट मिल रही है जो कि गेमिंग चिपसेट है, और पाकिस्तान में जो बॉक्स पैक फोन आते हैं उनके अंदर तकरीबन ये 50,000 से ऊपर की प्राइस वाली चिपसेट है। और यहाँ पे 48 MP कैमरा भी मिल रहा है, कैमरा रिजल्ट भी बहुत आउट क्लास है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी भी है जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर 28,000 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है। और जो VIP पैच अप्रूव है इसमें आपका रीसेट होने पे भी इसका पैच ख़त्म नहीं होता, तो ये काफ़ी अथेंटिक है, इसमें आप फोन की अपडेट भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका पैच ख़त्म नहीं होना, यानी PTA अप्रूव भी रहेगा फ़ोन। तो इस हिसाब से ये मोटो 1S इस टाइम पर बहुत अच्छा फ़ोन है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड भी है। इसके अलावा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था आई वॉन्ट रेंट नार्जो 30 बॉक्स पैक। नार्जो 30 तो बहुत मुश्किल है इस टाइम पे, नार्जो 50 आपको मिल जाएगा फिर भी मार्केट में अभी रिसेंटली आया है, लेकिन नार्जो 30 तो तकरीबन साल से ज़्यादा टाइम हो गया इसको आए हुए, तो ये भी मुश्किल है आपको बॉक्स पैक मिल जाए मार्केट में,
यूज में आप सर्च कर सकते हैं, किसी के पास शायद मिल जाए। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास, ओप्पो A77 कब आएगा। ओप्पो की तरफ से इस टाइम पे मार्केट में सिचुएशन बहुत ख़राब है, ओप्पो के पास वैसे ही स्टॉक नहीं है और नए मॉडल्स भी लॉन्च नहीं करने जा रहा। ओप्पो A17 लॉन्च करने वाला था जो कि अनऑफिशियल आ गया उनकी लॉन्चिंग से पहले ही, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऑफिशियल नहीं आया। सुन ये रहे थे कि ऑफिशियल भी आएगा लेकिन अभी तक ऑफिशियल नहीं आया, अनऑफिशियल आया हुआ है मार्केट में, वो भी एक ही स्टॉक आया था थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद दोबारा से रीस्टॉक नहीं हुआ वो ओप्पो A17। लेकिन अभी शायद मार्केट में मिल जाएगा वो कहीं पर अगर सर्च करेंगे, लेकिन वो अनऑफिशियल स्टॉक है, ऑफिशियल अभी तक नहीं आया। तो A77 की भी इस महीने में या फिर अप्रैल के महीने में उम्मीद नहीं है, जैसे कोई अपडेट्स आएगी तो शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। इस तरह रेडमी नोट 12 के बारे में पूछ रहे हैं, रेडमी नोट 12 कब आएगा, तो शाओमी की तरफ से भी अभी कोई अपडेट्स नहीं है नए मॉडल्स की, मेरे ख्याल से अप्रैल के महीने में देखते हैं, अप्रैल स्टार्ट होता है तो फिर जैसे ही अपडेट्स आएंगे आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये कोई भाई पूछ रहे हैं, कराची से हूँ, रेडमी 10 प्रो प्लस और रेडमी K60 प्रो कहाँ से मिलेगा। ये कोई ऑफिशियल स्टॉक नहीं है और इसको मैं लेकर आया था दुबई से, डिमांड पे लेकर आया था और उसी टाइम सेल हो गया था। रेडमी K60 प्रो तो इवन मेरे पास काफ़ी टाइम तक रखा रहा है और अभी कुछ टाइम पहले ही, मतलब 1 वीक या 2 वीक पहले सेल हुआ है। और इस तरह की डिवाइसेज आपको इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं, ऑफिशियल हम नहीं होती तो आपको मार्केट में इजीली नहीं मिलेगा। आप कराची से थे, आपको मैं नंबर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो में बता देता हूँ कि नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, नंबर लें, उससे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, बात करें और आपकी डील बन जाएगी। लेकिन आपने काफ़ी लेट कर दिया, अभी दोनों डिवाइसेज सेल हो गई हैं। रियलमी 10 प्रो प्लस तो बहुत डिमांडेड थी, जल्दी सेल हो गई थी, और K60 प्रो अभी 1 वीक पहले आई थिंक सेल हुई है, और दोबारा मंगवाने के लिए फिर वेट करना पड़ेगा, दोबारा आएंगे। और अभी करेंसी बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है, दिरहम ऊपर चले गया है, तो दुबई से आने में काफ़ी महंगा पड़ेगा, पहले सस्ते पड़े थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, OnePlus N200 मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, N200 मिल जाएगा, नंबर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कराची से हैं तो आपको मिल जाएगा अच्छी प्राइस के अंदर, नंबर दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी लोग नंबर नहीं देख पाते, पूछ रहे होते हैं कि नंबर, में आपको यहाँ पे एक वीडियो भी लगा दूंगा जिससे आप देख सकें डिस्क्रिप्शन में नंबर कहाँ होता है, किस तरह से आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आई थिंक नहीं पता, इसलिए लोग पूछ रहे होते हैं नंबर दे दें, अपना नंबर दे दें, किसका नंबर है आपने बताया नहीं, इस तरह के बहुत क्वेश्चन होते हैं कमेंट्स होते हैं, लेकिन आप लोग देख लिया करें, डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूंगा कैसे देखना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पैच फोन का मतलब। अच्छा, कुछ लोगों को पैच फोन्स के बारे में नहीं पता, तो पैच फोन्स बेसिकली ये एक तरीका है जिससे किसी भी PTA अप्रूव फोन का IMEI किसी भी नॉन PTA फोन पे सॉफ्टवेयर के थ्रू लगा देते हैं, चढ़ा देते हैं, यानी एक IMEI जो PTA अप्रूव है वो 2 फोन पे चल जाता है। और ये सिलसिला मार्केट में इस टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको चला रहे हैं, और वैसे ये फ़ोन जब तक चलते हैं जब तक रीसेट ना हो, जब तक उनका PTA अप्रूव रहता है या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो। अगर आप इस तरह का कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट ना करें, जैसे सॉफ्टवेयर की अपडेट आए तो उसको कैंसिल कर दें या फिर फ़ोन रीसेट ना करें, उससे फिर आपका ये पैच अप्रूव ख़त्म हो जाता है और फिर दोबारा से हो जाता है। ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगा, एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से हो जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैच अप्रूव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से जितना महंगा हो चुका है PTA अप्रूवल चार्जेस, उस हिसाब से तो आपको लेना चाहिए, अच्छे कम प्राइस के अंदर आपको PTA अप्रूव फोन मिल जाता है। वैसे ऑफिशियल नहीं है, लीगल नहीं है, लीगल वे नहीं है, मैं आपको इलीगल की तरफ नहीं रिकमेंड कर रहा, लेकिन जिस तरह से महंगे हो चुके हैं तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं बचता। अगर आपकी रेंज ऐसी है जो आप नहीं बाय कर पा रहे हो कि PTA अप्रूव फोन, ऑफिशियल PTA अप्रूव फोन, बहुत से फोन और बहुत मजबूती है, तो आई थिंक फिर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना, रीसेट नहीं करना फोन और इसके अलावा एंड्रॉयड अपडेट नहीं करना, उसके अलावा आप चला सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, सर्वर अप्रूव वाले ऑप्शंस भी आए हैं जिससे रीसेट करने पे भी नहीं जाता, या VIP अप्रूव PTA पैच के नाम से आ गए हैं जिस पे नहीं जाता। तो ये है अपडेट्स अभी तक की, ये मेरे पास क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को उम्मीद है तमाम आंसर कर दिए हैं। मजीद कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।